महावीर मंडल का मेंबर और अध्यक्ष सचिव वही लोग रहते हैं, तो शांति समिति का मेंबर। रामनामी मंडल अपने गांव के धर्म को हम लोग तो मानने वाले हैं, इतना तो हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत से इस त्योहार को बिताने के लिए। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी रामनामी और सरहुल का जुलूस सौहार्दपूर्ण मनेगा, ये सभी लोग विचार रखें और जहां जरूरियात है प्रशासन का पेट्रोलिंग की आवश्यकता है वो मेन पॉइंट नोट करा दिया गया सभी शांति समिति के मेंबर की ओर से। और अखाड़ेधारी के जो अध्यक्ष सचिव हैं और सरहुल के जो अध्यक्ष सचिव हैं वो सभी रूट चार्ट अपने थाना में जमा कर देंगे, ये थाना की तरफ से निर्देश भी मिला है। और हम लोग समाज के लोग जो मेंबर यहाँ पर बैठे थे सभी लोग से आग्रह किए हैं कि जिस जिस गांव में जिस जिस मोहल्ले में रामनामी की कमेटी और सरहुल की कमेटी है वो मुस्लिम समाज के अंजुमन कमेटी के जो जिम्मेदारान होते हैं दो रोज चार रोज पहले रामनामी की तरफ से एक लेटर जाएगा उन लोग को और उनको इन्वाइट दिया जाएगा और सम्मान के साथ जुलूस में उपस्थित रहने के लिए आग्रह किया जाएगा। इस संदेश जाएगा, बहुत ही अच्छा संदेश रहेगा और इसमें हम लोग को सौहार्दपूर्ण त्यौहार मनाने में बहुत ही सहयोग मिलेगा। और हम लोग इस बैठक से आज सभी को संदेश दिए, प्रशासन की तरफ से भी जनप्रतिनिधि की तरफ से संदेश दिए हैं कि हम लोग सर्वधर्म सर्व समाज के मानने वाले लोग हैं, इसी तरह सभी धर्म को सभी सर्व समाज के लोग बैठ कर एक साथ मिलकर और एक साथ जुलूस निकाल कर अच्छे से सम्पन्न करेंगे। प्रशासन 24/7 साथ है, विधि व्यवस्था संधारण करके पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए हमेशा तत्पर है और प्रशासन शांति समिति सदस्यों से एवं पटौरिया थाना क्षेत्र के आम जनता से ही निवेदन है कि आगामी पर्व शांति तरीके से बीते और इसमें किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना न घटे, उसके लिए हम लोग मुस्तैद हैं। क्या कुछ आप लोगों ने प्रशासन की तरफ से हम लोग का मांग किए हैं कि जिस समय जुलूस रहता है उस समय श्री प्रशासन की गाइडलाइन रहे और जुलूस में और चौक चौराहे में पुलिस की गश्ती रहे, जब त्यौहार होता है उस समय बस यही गाइड करना है। दशमी के दिन यहाँ पर अस्त्र शस्त्र संचालन प्रतियोगिता होता है जो कि राज्य स्तरीय है, यह अस्त्र शस्त्र संचालन प्रतियोगिता और उस पर एक मंच है, एक शामियाना है और उस मंच पर हम लोगों ने यह विचार किया है कि दूसरे समुदाय के लोगों को भी हम लोग वहाँ पर आमंत्रित करेंगे ताकि एक मैसेज जाए, एक भाव जाए कि यहाँ पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है, ताकि जो नए लोग हैं या बच्चे हैं उनको समझ में आए कि हाँ भाई हम लोगों को मिलजुल कर रहना है। और जिस दिन से यह होने लगेगा मन में आ जाएगा कि नहीं उनके त्यौहार में हम जाते हैं, हमारे त्यौहार में वो आते हैं, तो किसी तरह के फिर दुर्भावना बच्चों में या लोगों में नहीं रहेगी।